भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान संधाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्री के वेलकम के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तानी सेना को काम में लगा दिया गया है और पाकिस्तानी सेना को ही इन्हें करने को और उनकी सुरक्षा को पक्का करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के साथ भला भारत के विदेश मंत्री सुरक्षित रहेंगे या फिर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हाल तो बर्बाद लग रहे हैं। पाकिस्तान की सेना खुद को बचा नहीं पा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स की हालत क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। पाकिस्तान में इन दिनों गजब का बवाल मचा हुआ है। बवाल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राही को लेकर इस्लामाबाद पूरी तरीके से जल उठा है। हर तरफ से अगजनी और कॉन्टैक्ट्स रखे गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सब कुछ मानो धरा का धरा ही रह गया हो। प्रदर्शन अब भी जारी है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो सामने भीड़ की आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क पहनकर आ रही है और आंसू गैस के गोले का भी मानो इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को जेल में डालने के लिए जितनी प्लानिंग की थी वो मानो सब प्रदर्शन अकेले चैलेंज कर रहा हो। पाकिस्तानी सरकार भी जुमलेबाजी और धांधली करके किसी तरह सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन अब वो भी फेल हो रही है। इस्लामाबाद के प्रमुख चौराहों एंट्री पॉइंट VVIP इनको लेकर कंटेनर खड़ा कर क्रोड जाम कर दिया गया है और इन सब के बीच खैबर पखन वाके मुख्यमंत्री अली अमीन गंधापुरा बताए जा रहे हैं। बता दें मुख्यमंत्री गंधापुर ही लगातार इस पूरे प्रदर्शन को डील कर रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने शनिवार तक देश की जनता को इस्लामाबाद पहुंचने का आग्रह किया था और यह इस्लामाबाद की पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स भारी भरकम फोर्स के साथ लोगों को रोकने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन वह कोशिश भी फेल साबित हुई। लोगों ने बैरिकेड तोड़कर कॉन्टैक्ट को पार करते हुए इस्लामाबाद में एंट्री ले ली। इस्लामाबाद में इस समय जमकर बवाल मच रहा है, सड़कों पर हड़ताल और हालत बेकाबू है और इन सब के बीच पाकिस्तान को अगले हफ्ते संधाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वह बैठक करानी है जिसके लिए वह बड़े बड़े सपने देख रहा है। चीन, रूस, भारत और दुनिया भर के कई ऐसे देश को पाकिस्तान ने न्योता भेजा। राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाने का सपना देखने वाले पाकिस्तान को पहले ही मुंह की खानी पड़ी और अब जब मेहमान इकट्ठे होने शुरू भी हुए हैं तो पाकिस्तान का तान अपने अतिरिक्त हालत बर्बाद नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।